ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming... मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहां मंदिर रिसीवर ने कुछ दिन पहले बैरिकेटिंग लगा दी थी। आज जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, श्रद्धालु का हुजूम बैरिकेटिंग पर चढ़कर मंदिर में घुसने की कोशिश करने लगा। इसी आपाधापी की वजह से ज्यादा भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में एक दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं भगदड़ की वजह से बैरिकेटिंग मानी जा रही है। बिहारी जी मंदिर के कर्मचारी भी बैरिकेटिंग का कुछ दिनों से ही विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर प्रांगण से बैरिकेटिंग हटाई जाए ताकि श्रद्धालुओं को बैरिकेटिंग की बदौलत असुविधा का सामना ना करना पड़े। रुद्रप्रयाग में एक बार फिर आपदा का कहर टूटा है। जिले में बारिश की वजह से कई घर उजड़ गए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोग घायल हैं, जिन्हें श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, साथ ही घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पीड़ितों की हर संभव मदद करने का भरोसा जताया है। देहरादून के क्लेमेंट टाउन में आपदा राहत राशि के चेक बाउंस होने का मामला सामने आया है। नेता विपक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि चेक सूबे के खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बांटे थे। आपदा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि एक तो राज्य सरकार आपदा को लेकर गंभीर नहीं, वहीं दूसरी ओर इस तरह से आपदा प्रभावितों के साथ मजाक किया जा रहा है। वहीं दिनेश अग्रवाल इस बात को बेबुनियाद बता रहे हैं। ये क्रूर मजाक है। क्लेमेंट टाउन में सरकार के खेल मंत्री जी द्वारा जो चेक बांटे गए थे उनका बाउंस होने का समाचार मिला है। इससे भद्दा मजाक आपदा पीड़ितों के साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार की किस कदर संवेदनहीनता हो गई है सरकार की, ये इसमें परिलक्षित होता है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आपदा पीड़ित घर तबाह होना, वो भी अहेतुक राशि दिया जाना और उसके बाद भी उसके चेक बाउंस होना, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है इस सरकार की। और अब हम आपको दिखाते हैं जयपुर की तस्वीरें, जहां पर बिल्डिंग गिराई गई है। डायनामाइट से ब्लास्ट कर गिराई गई बिल्डिंग 5 सेकंड में गिरी 9 मंजिला इमारत। हमारी नाला इलाके में अवैध निर्माण गिराया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने गिराई है इमारत। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 5 सेकंड में 9 मंजिला इमारत कैसे गिरी देखिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर की, जहां पर अवैध निर्माण को हटाया गया, यानी कि जो 9 मंजिला इमारत थी उसको गिराया गया है। कि पीछे के जो मकान कच्चे वगैरह थे उनको किसी भी हालत में कोई धक्का ना लगे। ये करते टाइम में बिल्डिंग गिरने का डायरेक्शन हमारे पास एक ही था और वो करते वक्त जो हमने प्लानिंग किया था उसके हिसाब से केवल थोड़ी सी दिक्कत हमारे डिटोनेटर में आई है, तो वो हमने सॉल्व किया। उसके कारण ये बिल्डिंग सही सलामत जिस तरीके से हमको चाहिए थी, तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इस मामले में परफेक्ट है। इस मामले में कहीं पर भी कोई क्षति होने का डर नहीं है। अब सर अगला प्लान क्या, आप कौन से गिराने टावर, थोड़ा इस बारे में बताइए। अगला तो मेरा ख्याल है पीछे जो बिल्डिंग है उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन उस बिल्डिंग को मैंने अभी भी ढंग से देखा नहीं है। अभी तक जो काम हुआ है उसमें आज ही मैं इंदौर से आया हूँ। अब मैं कल इसको ढंग से स्टडी करूंगा, उसके बाद इसके आगे की रणनीति बनाएंगे। सर आपने कहा डेटोनेटर में डिफेक्ट था, सर क्या
पांच सेकंड में 9 मंजिला इमारत जमी दोस्त। जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध निर्माण गिराया गया और किस तरह से इस बिल्डिंग को गिराया गया है वो बता रहे थे वहां के इंजीनियर। फिलहाल समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 सेकंड में 9 मंजिला इमारत कैसे गिरी आपके सामने। हरिद्वार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हरिद्वार में पुलिस ने कुछ साधुओं को गिरफ्तार किया है जो कि बच्चों से भीख मंगवाया करते थे। हर की पैड़ी पर इनके चंगुल से 3 बच्चों को छुड़ाया भी गया है। हकीकत तो ये है कि अभी भी सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो साधुओं के इशारों पर भीख मांगने को मजबूर हैं। भीख मंगवाने के लिए इन बच्चों के साथ मारपीट भी की जाती थी और भूखा भी रखा जाता था। अब पुलिस इन लावारिस बच्चों को घरों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान दलाई लामा का पारंपरिक तौर पर स्वागत भी किया गया। दलाई लामा ने कार्यक्रम के दौरान बच्चों से बात की और उनके सवालों का जवाब दिया। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और घर की बाकी खुशियां डूब रही हैं। अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। देखिए जागोरे में रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हाय, कितनी भी कोशिश कर लो पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। ये कहानी है एक अजीबो गरीब फैमिली की जिसके फादर थे बड़े डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैटली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली। मैडम कट आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आगे क्या? पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। तारीख 15 जुलाई, समाचार प्लस ने उठाया सवाल, किसने पास किया ये नाम नोएडा एक्सटेंशन। मार्केटिंग के लिए एक बिल्डर्स ने मिलकर एक नाम दिया नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन नाम की किसी जगह को कभी सरकार ने कोई मंजूरी दी ही नहीं। खबर तो खवाला है हमारे सहयोगी सौरभ सहनी ने। आखिर क्यों अथॉरिटी ने अब तक इसका विरोध नहीं किया। तारीख 15 सितंबर, समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। नोएडा एक्सटेंशन के नाम को लेकर समाचार प्लस पर दिखाई गई खबर का असर हुआ है। सबसे पहले समाचार प्लस संवाददाता सौरभ सहनी ने ये खबर दिखाई थी। जो बिल्डर अब नोएडा एक्सटेंशन के नाम से फ्लैट बेचेंगे उनपे कार्रवाई की जाएगी, उनपे पेनल्टीज लगाई जाएंगी। समाचार प्लस पर खबर दिखाई जाने के बाद हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और ये हमारी खबर का असर, इसीलिए हम कहते हैं समाचार प्लस खबर वही। गोरखपुर में नगर निगम के इंजीनियर को गुस्सा है, लोगों ने बनाया बंधक। नाले में डूबने से हुई थी बच्चे की मौत, मामले की जांच के लिए गया था इंजीनियर।
शाहजहांपुर में जीआरपी की करतूत। रेलवे ट्रैक पर कजील आशू को नाबालिग लड़कों से उछवा रही जीआरपी, नशे का सामान मुहैया कराने का भी आरोप। इलाहाबाद के बहरिया में भीषण हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 12 लोगों की मौत। पूजा से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मची भगदड़, कई लोग घायल। बैरिकेड्स लगाए जाने से हालत हुई बेकाबू। अलीगढ़ में पुलिस के सामने तीन नाबालिग लड़कों की पिटाई, लड़कियों से छेड़खानी और चोरी का आरोप लगाकर जमकर धुना। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बयान, मनमोहन सरकार के फैसलों का करेंगे विरोध लेकिन समर्थन वापसी पर फैसला अभी नहीं। यूपी पुलिस को बताए बिना पंजाब पुलिस ने बांदा से दो लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने लगाई पंजाब पुलिस को फटकार। नेता विपक्ष अजय भट्ट ने लगाए आरोप, देहरादून में आपदा राहत राशि के तहत बांटे गए चेक हुए बाउंस, कहा उत्तराखंड सरकार ने पीड़ितों के जख्मों पर छिड़का नमक। टिहरी उपचुनाव में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को कांग्रेस का टिकट, बीजेपी उम्मीदवार महारानी राजलक्ष्मी टीकारानी को चुनौती देंगे साकेत। और मुंबई की सड़कों पर दिखा रफ्तार का जलवा, वोडाफोन के बेंच में मैकलिन मर्सिडीज के हैमिल्टन ने दौड़ाई रेसिंग का। श्वेता रंजन मुखातिब हूँ आपसे विशेष कार्यक्रम जागोरे के जरिए। आज बात धरती की बदलती तस्वीर की। जी हाँ, धरती पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस घड़ी की ओर जो हमें काल के गाल में ले जाएगी, यानी हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं उस ओर जहाँ है बस महाविनाश। बरस रहे हैं धरती पर आग के गोले, भस्म कर देंगे ये शोले, मिट जाएंगे हमारे नामो निशान, नहीं बचेंगे हम और आप, हो जाओ सावधान। सुन के खतरे की ये घंटी, बचा लो अपनी धरती और जान। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ओजोन परत में हुए छेद के कारण हम धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं। मौत की ओर बढ़ते हमारे कदम को हम खुद ही रोक सकते हैं। जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी अगर हम खुद को ना समझा पाए, तो आइए आज ये प्रण कर लें, धरती को बचाना है। ये खूबसूरत पहाड़, ये नदियां, ये झरने, पंछियों की चहचहाहट, फूलों की मुस्कुराहट, शायद ये सब खो जाए। हो सकता है धरती पर कुछ भी ना बचे, आप और हम कोई भी नहीं। क्योंकि अब हमारी धरती पर गहरा संकट मंडरा रहा है। धरती पर छन कराने वाली सूरज की किरणें धरती तक सीधे पहुंच रही है, जो खतरे की घंटी है जिसे हम में से कोई भी नहीं सुनना चाहता। सूरज की किरणों को छान कर हम तक पहुंचाने वाला, हमें खतरे से बचाने वाला ओजोन लेयर अब खुद खतरे से गुजर रहा है। ओजोन में हुआ छेद दिन ब दिन बड़ा हो रहा है।
ओजोन परत में छेद के कारण पृथ्वी पर जिंदगी संकट में पड़ सकती है। सूर्य की खतरनाक किरणों से